हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पेंट बॉक्स पे। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग पेंट कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि बहुत सारी पेंट कंपनियां हैं, एशियन है, नेरोलैक है, इंडिगो है, या फिर ड्यूलैक्स है, या फिर बर्जर है। इन सभी पेंट कंपनियों में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, इनके क्या क्या यूजेज हैं, या फिर इनकी प्राइस रेंज क्या है, मैं इसी पे हम बात करने वाले हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं इमल्शन पेंट्स के बारे में। जैसे कि किसी भी पेंट कंपनी है, या फिर आप मान लो एशियन है या नेरोलैक, उसकी कौन कौन से इमल्शन पेंट्स आते हैं, उसके क्या क्या यूजेज हैं, या उनकी प्राइस रेंज क्या है। आज हम बात करने वाले हैं एशियन के इमल्शंस के बारे में। जैसे कि एशियन में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आपको इमल्शंस आते हैं, प्राइमर आते हैं, डिस्टेंपर आते हैं, वाटरप्रूफिंग केमिकल्स आते हैं, या फिर और भी बहुत सारे क्लीनर वगैरह टाइप के भी अब आने शुरू हो गए हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे मेनली इमल्शंस के बारे में, उसके यूजेज क्या हैं, उसकी प्राइस रेंज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक्टर इमल्शंस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एशियन का ट्रैक्टर इमल्शंस है। ये एक इंटीरियर प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट 180 to 200 होती है। ये आपको अंदर की दीवारों के लिए बेस्ट पेंट होता है, वॉशेबल होता है, या फिर इसकी कवरेज एरिया भी ज़्यादा होती है। इसमें एक और वेरिएंट भी आता है, ट्रैक्टर स्पार्क इमल्शन, या फिर एक आता है ट्रैक्टर साइन इमल्शन। वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। इसके बाद इसके बाद जो आता है प्रोडक्ट, वो आपका आता है एस स्पार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एस स्पार्क है। इसकी प्राइस रेंज 180 to 200 है। पिछले कुछ टाइम से प्राइस रेंज कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस अप या डाउन हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं आपका, ये इसकी प्राइस रेंज 180 to 200 अप्रॉक्सीमेट है, जो मेरे पास अवेलेबल है। और इसकी लाइफ ड्यूरेशन लगभग 2 सालों तक इजीली चल जाएगा आपकी दीवारों पर। कंपनी भी मिनिमम 2 ईयर्स वारंटी देती भी है इस प्रोडक्ट पे। इसके बाद भी बहुत सारे इमल्शंस एक्सटीरियर आते हैं। ये एक्सटीरियर यूज के लिए होता है, आप इसको इंटीरियर में भी यूज कर सकते हैं, पर ये कंपनी जो देती है एक्सटीरियर यूज के लिए भी ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एस एक्सटीरियर इमल्शन। ये जो होता है, ये एक मिड रेंज प्रोडक्ट है, जो कि आपको मैट फिनिश में आता है। ये इसकी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट जो होती है आपको 220 to 250 MRP पर लीटर आती है। वो रेगुलर दुकानों में आपको मिल जाएगी। जैसे कि अब मान लीजिए प्राइस रेंज बढ़ा है, तो हो सकता है कहीं कुछ जो नए प्रोडक्ट्स आए होंगे उनके प्राइसेस थोड़े कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, तो जिनके पास पुराने होंगे वो थोड़े बहुत कम ले सकते हैं। पर इसकी जो प्राइस रेंज होती है वो 200 to 250 पर लीटर होती है। अगर आप मान लीजिए कि इसमें कोई कलर बनाते हैं, तो वो कलर कॉस्टिंग जो होगी वो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है आपका एस साइन, जो मैंने पहले आपको दिखाया, वो एक एस स्पार्क हो या फिर एस एक्सटीरियर इमल्शन हो, वो एक मैट फिनिश पेंट है। और जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एस साइन, ये एक साइन प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको दीवारों पर लगाओगे, तो उसमें हल्की सी चमक आएगी, जो कि वो साइन प्रोडक्ट। इसमें साइन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एस स्पार्क या एस इमल्शन। इसमें क्या, इसकी प्राइस रेंज भी थोड़ी हाई होती है। जो मेरे पास है पर लीटर, उसकी 233 MRP है, जो कि आपको इजिली मार्केट में 220 से 250 या 260 के पर लीटर रेंज में मिल जाएगा। ये कॉस्टिंग क्या होती है कि जैसे जैसे आप मान लीजिए कि छोटा 1 लीटर का है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, 4 का है तो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा, या फिर 20 का लेते हो तो बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। जैसे 20 का लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 4000 के अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर इसी में एक एस में ही एक और वेरिएंट आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एस एडवांस। इसमें क्या होता है कि इसकी कवरेज एरिया जो आप देखें, एस देखें या फिर एस स्पार्क देखें या फिर एस शाइन देखें, उनसे इसमें ज़्यादा होता है। इसकी प्राइस रेंज भी थोड़ी हाई होती है। इसकी प्राइस रेंज आपको पर लीटर वही 250 to 300 पर लीटर आपको अभी अवेलेबल होगा, या फिर अभी न्यू प्राइस रेंज है वो 250 to 300 पर लीटर मिल जाएगा। इसके बाद ये जो अभी आपको मैंने दिखाया ट्रैक्टर इमल्शन, या फिर एस दिखाया, या फिर एस में 2-3-4 वेरिएंट दिखाया, वो एक मिड रेंज प्रोडक्ट है। वो एक जो मैंने आपको दिखाया मिड रेंज इमल्शन है, जिसमें मैट फिनिश और शाइन दोनों ही था। इसी तरह एक एशियन का जो होता है एक्सटीरियर में प्रीमियम एक्सटी प्रोडक्ट आता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है एपिक्स, जो है वो एक प्रीमियम एक्सटी प्रोडक्ट है। इसकी लाइफ ड्यूरेशन 5 सालों तक होती है। ये भी एक मैट फिनिश प्रोडक्ट है। ये डस्ट प्रूफ होता है,
या फिर आप वेदर प्रूफ भी इसको कह सकते हैं। इसकी लाइफ 5 सालों तक होती है। इसकी प्राइस रेंज आप जो देख रहे हैं इसकी 400 to 450 पर लीटर होती है जो मेरे पास अवेलेबल है वो, और जो प्राइसेस बढ़े हुए उस हिसाब से थोड़ा बहुत अप या डाउन हो सकते हैं। इसमें भी आपको 2-3 वेरियंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आप देखें ये एस प्लेन था, अब इसके बाद आपको मिलेगा ये जो आप देख रहे हैं ये एस साइन है जो अभी आपके वो, इसमें भी साइन प्रॉपर्टी कंपेयर टू एपेक्स ज़्यादा होगी और ये आपको शाइनिंग देगा। बाकी लाइफ ड्यूरेशन तीनों के ही सेम होगी, या तो आप एपेक्स ले लो, एपेक्स साइन ले लो, या फिर एपेक्स डस्ट प्रूफ ले लो। ये तीनों की लाइफ ड्यूरेशन आपको 5 सालों का ही होगा, जो कंपनी आपको क्लेम करती है कि इसकी लाइफ ड्यूरेशन 5 साल हो गया, तीनों ही वेदर प्रूफ होगा, ये तीनों ही डस्ट प्रूफ होगा। तो ये साइन प्रोडक्ट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो एपेक्स साइन है, जिसकी आपको प्राइस कॉस्टिंग जो है वो 450 to 500 पर लीटर होगा, और ये एक काफ़ी अच्छा शाइनिंग प्रोडक्ट है। इसी तरह से आपको एक आता है प्रोडक्ट एपेक्स एडवांस, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि एस में 3-4 वेरिएंट आता है, एस हो गया या फिर एस साइन हो गया, इस पर इसी तरह एपेक्स में भी आता है एपेक्स हो गया या फिर एपेक्स साइन हो गया। इसी तरह ये एपेक्स एडवांस जो कि इसकी कवरेज एरिया कंपेयर टू एपेक्स ले लो या फिर एपेक्स जो भी है वो, इसकी कवरेज एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू आपको एपेक्स प्लेन या एपेक्स साइन। इसी तरह एक इसमें एक और भी वेरिएंट आता है एपेक्स अल्टीमा, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि आपको बाहरी दीवारों के लिए दी बेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसकी लाइफ ड्यूरेशन 7 सालों की होती है, कंपनी क्लेम करती है कि ये 7 सालों तक आपकी बाहरी दीवारों की रक्षा करेगी, इसकी साइनिंग ब्रा वो जैसी मतलब बरकरार रहेगी, या फिर इसकी कवरेज एरिया भी आपको जो कंपनी क्लेम करेगी वो प्रॉपर दिए जाएगी। इसकी पर लीटर कॉस्टिंग आपको 500 to 550 to 600 पर लीटर होगा, जो नए DPL आते हैं या फिर जो नए प्राइसेज आए हैं उस हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो 550 to 600 पर लीटर MRP होगी। उस अलग अलग दुकानों पे अलग अलग डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। फिर इसी में एक प्रोडक्ट आता है एपेक्स का अल्टीमा प्रोडक्ट, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखा पाया। उसमें 2 होता है, एक टॉप कोट एक बेस कोट, जिसकी लाइफ ड्यूरेशन 10 सालों की होती है। वो मेरे पास नहीं है वो, इसलिए मैं आपको नहीं भी दिखा पाया। उसकी मैं प्राइस रेंज के भी बारे में आपको अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। फिर इसके बाद एक एपेक्स का एशियन का बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है, जैसे कि आप फर्श कहीं पे भी फ्लोर है वहाँ पे आप कोई पेंट कराना चाहते हो या फिर कोई कलर कराना चाहते हो, बट आप टाइल्स लगाना नहीं चाहते हो। बहुत सारे रीजन है कि हमें थोड़े टाइम के लिए चाहिए, 1 या 2 साल के लिए चाहिए, पर हमें वहाँ कुछ कलर करना है, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट आपका आता है ये फ्लोर गार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्लोर गार्ड है, जहाँ आप कहीं पे भी फ्लोर पे इसको लगा सकते हैं। इसकी हाई शीन होती है प्रोडक्ट, और इसमें भी मैट फिनिश और शीन दोनों ही आता है। ये हाई शीन होता है, ये कंपनी क्लेम भी करती है कि आपको ये 2 साल की वारंटी भी देती है, और ये काफ़ी अच्छा चलता भी है। आप कहीं पे भी चलने के पे जो वो स्क्रेचेज आते हैं या इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आपको नहीं दिखाई देगा और उससे प्रोटेक्ट करेगा, तो ये होता है। फिर इसी तरह से एक एपेक्स में आपको इंटीरियर प्रोडक्ट्स में काफ़ी मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया आपका एक एपेक्स का प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम इंटीरियर प्रोडक्ट है जो कि अंदर के दीवारों के लिए लगाया है, वो है रॉयल सैंड। ये एक बहुत ही हाई शीन फिनिश पेंट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा चमक होता है, और ये इसकी कवरेज एरिया भी बाकी जो भी आपने पेंट देखा उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है, आपको पर लीटर आप ये कह लो 600 या जो मेरे पास है उसकी MRP 562 है, बट ये वही आप कह सकते हो 600 से 650 पर लीटर MRP के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, इसमें भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, जैसे शाइन, मैट फिनिश, शाइन अलग अलग आते हैं। कुछ लोगों को शाइन पसंद नहीं है तो वो मैट फिनिश लगाते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल पेंट होता है। तो इस तरह से अलग अलग क्वालिटी के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पाया इमल्शन में ही, इंटीरियर इमल्शन मैंने हार्डली आपको एक्सटीरियर इमल्शन तो सारे दिखा दिए, इंटीरियर इमल्शन नहीं दिखा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपको वो सारे दिखा दूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।